गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने दूसरे पार्ट को कंप्लीट कर दिया है। आज हम तीसरा पार्ट शब्द देखेंगे। तीसरा पार्ट हमारा शब्द है। देखिए, शब्द किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। अगर हम कोई भी बात बोलते हैं तो हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, उसे हम लोग शब्द कहेंगे। इसकी परिभाषा होती है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के दो प्रकार हैं, एक सार्थक और निरर्थक। देखिए, अगर हम कोई शब्द बोलते हैं, जैसे पौधा, पौधा, जमीन, धरती, सड़क, इन सब का कोई अर्थ बनता है, तो जो शब्द हमें सार्थक अर्थ देता है उसे ही हम शब्द कहते हैं। तो यहाँ वर्णों के मेल से जो शब्द बने उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। अगर उसी को हम उल्टा पढ़ें, जैसे पौधा का उल्टा धापो होगा, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है, तो ये निरर्थक शब्द हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से शब्द के दो भेद हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द एक स्वतंत्र अर्थ देते हैं उसे सार्थक शब्द कहते हैं। इसका अर्थ शब्दकोश में मिलता है, जैसे लड़का, पंखा, मोर, स्वागत इत्यादि। निरर्थक शब्द, ये वे ध्वनियाँ होती हैं जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, अन्य शब्दों के साथ मिलकर प्रयोग होती है, जैसे पानी वानी, खाना वाना, किताब विताब, इनका कोई अर्थ नहीं बना, इसीलिए निरर्थक शब्द हो गए। इस तरह से शब्द और शब्द के दो भेद, सार्थक और निरर्थक, हमने पढ़ लिया। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को अभ्यास बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।